हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, यानी कि याद करो फटाफट से कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था स्टूल एग्जामिनेशन के बारे में। देखो, स्टूल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, कौन कौन से मेथड से करते हैं, ये सारा हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी स्टूल एग्जामिनेशन में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पर। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। आज हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन? स्टूल का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो देखो, स्टूल एग्जामिनेशन हम करते हैं तो ये तो हमने देख लिया कि फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि स्टूल को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि स्टूल का कलर नॉर्मल है या नहीं, कंसिस्टेंसी नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, तो ये हम उसको देखकर पता कर सकते हैं। बात रही कि अकल ब्लड यानी कि उसमें अगर स्टूल में छिपा हुआ ब्लड प्रेजेंट है या उसका पीएच नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो उसके लिए हम केमिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं फिर से बता देती हूँ, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। देखो, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्यों जरूरी होता है? देखो, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से बहुत कंसंट्रेट होकर इस टॉपिक को पढ़ना है। ओके, तो क्या बात कर रहे थे हम कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पैरासाइट अगर ऑब्जर्व करने हैं, आप पैरासाइट क्या है, एक सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उनको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। जब उन पैरासाइट को देखना पड़ेगा तो उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो पैरासाइट के ऑब्जर्वेशन के लिए जिसमें हम सिस्ट, ट्रोफोजोइट, एग, लार्वा, ये सारी चीजें देखते हैं कि पेशेंट के स्टूल में कोई पैरासाइट तो नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा पता कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई हेलमेंटिक एग एंड लार्वा एज वेल एज प्रोटोजोआ सिस्ट एंड ट्रोफोजोइट। सिस्ट और ट्रोफोजोइट, एग एंड लार्वा, ये सब क्या है? ये सब हम पैरासाइटोलॉजी में पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे और भी बहुत सारे पैरासाइट बचे हैं जो हम पढ़ेंगे। मैं एक स्ट्रक्चर आपको बता दूंगी आगे यहाँ पर कि कैसे दिखते हैं ट्रोफोजोइट, सिस्ट, एग, लार्वा। ठीक है, तो इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमें पैरासाइट का ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। स्टूल में अगर पैरासाइट प्रेजेंट है तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। अब देखो, ट्रोफोजोइट अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ट्रोफोजोइट आपको कौन से स्टूल में दिखेगा? लिक्विड और अगर सॉफ्ट स्टूल है तो आपको ट्रोफोजोइट दिखेंगे, अगर फॉर्म्ड स्टूल है तो वहां पर ट्रोफोजोइट आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, सिस्ट की बात करें तो सेमी फॉर्म्ड स्टूल में आपको दिखाएंगे। हाँ, अगर फॉर्म्ड स्टूल है तो हमको उसे जो नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके आप आगे उसको देख सकते हो, लेकिन फॉर्म्ड स्टूल में नॉर्मली नहीं दिखता है। ठीक है, हेलमेंट्स एग को आप कहाँ देखोगे? एनी टाइप ऑफ स्पेसिमेन, कोई सा भी टाइप का स्पेसिमेन हो, चाहे वो सेमी फॉर्म्ड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉफ्ट हो, हेलमेंटिक एग आपको दिखेगा ही दिखेगा। ओके, प्रेजेंस है तो दिखेगा, अगर कोई इन्फेक्शन उसको है, नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता है पैरासाइट। ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टूल में, वो भी नॉर्मल जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो दिखाई दे सकते हैं। आरबीसी नहीं होती है। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अगर स्टूल में आरबीसी आ रही है तो यहाँ पर आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, डब्ल्यूबीसी देख सकते हो, एपिथेलियल सेल देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम स्टूल एग्जामिनेशन में देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? एग है। ठीक है, एग आपको ऐसा दिखेगा, लार्वा आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, सभी का अलग अलग होता है, हर पैरासाइट का अलग अलग होता है। ठीक है, ये ट्रोफोजोइट है, जैसे ये जियार्डिया लैमलिया का ट्रोफोजोइट है। ठीक है, ये क्या है? ट्रोफोजोइट। ठीक है, ये ट्रोफोजोइट है, ये आपका क्या है? ये आपका है सिस्ट। ठीक है, ये आपका है सिस्ट। तो ये ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोपिक में होता है। मैं सभी का एक चार्ट आपको बनाकर दे दूंगी कि कौन सा पैरासाइट की कितनी साइज होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम करते हैं स्टूल में जो प्रेजेंस पैरासाइट है उनकी, कि कौन सा पैरासाइट का जो सिस्ट है, ट्रोफोजोइट है, वो कैसा दिखता है। ठीक है, कलर कैसा होता है, साइज कैसी होती है, कौन सी कंडीशन में दिखता है, ये एक मैं पूरा चार्ट बनाकर आपको दे दूंगी इस टॉपिक के बाद में। ये अभी हम पढ़ लें उसके बाद में। ओके, तो अब चलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में अंदर कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है वेट माउंट और कंसंट्रेशन मेथड। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम यहाँ पर दो मेथड से करते हैं, एक तो हम करते हैं वेट माउंट और एक हम करते हैं कंसंट्रेशन मेथड। वेट माउंट बहुत ही इजी मेथड है, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्लाइड लेना है, स्टूल का सैंपल लेना है, नॉर्मल सलाइन और आयोडीन सॉल्यूशन मिलाना है और देख लेना है।
बहुत इजी है, ठीक है। कंसंट्रेशन मेथड थोड़ा सा उसमें सेंट्रीफ्यूज वगैरह करना पड़ता है, बट बाकी ये भी इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपका, ठीक है। अब सलाइन वेट माउंट की बात करें और आयोडीन वेट माउंट की बात करें, तो इन दोनों को आपको पढ़ना है, और कंसंट्रेशन मेथड में आपको पढ़ना है फ्लोटेशन टेक्निक और सेडिमेंटेशन टेक्निक। फ्लोटेशन टेक्निक में फिर से आपकी दो टेक्निक है, सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन टेक्निक और जिंक सल्फेट सेंट्रीफ्यूजेशन टेक्निक। और सेडिमेंटेशन टेक्निक में कौन सी है, फॉर्मलिन ईथर सेडिमेंटेशन टेक्निक। इन सभी के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है, तो चलते हैं डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहला हम बात करते हैं किसके बारे में, वेट माउंट के बारे में। बहुत ही ईजी प्रोसीजर है वेट माउंट प्रोसीजर। यहाँ पर दो टाइप में होती है, एक होती है आपके सलाइन वेट माउंट और एक होती है आपकी आयोडीन वेट माउंट। सलाइन वेट करें तो इस टेक्निक में हम एक देख सकते हैं, सिस्ट देख सकते हैं, ट्रोफोजोइट देख सकते हैं, आरबीसी देख सकते हैं, डब्ल्यूबीसी देख सकते हैं सलाइन वेट माउंट के द्वारा। जो मोटाइल ट्रोफोजोइट होते हैं उनको भी हम सलाइन वेट माउंट के द्वारा देख सकते हैं। तो भाई आयोडीन वेट माउंट करने की क्या जरूरत पड़ेगी, सलाइन वेट माउंट ही सब कुछ कर रही है भाई। जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि इससे हम डिटेल स्ट्रक्चर उसका नहीं देख पाते हैं। जैसे सिस्ट के अंदर ग्लाइकोजन है, न्यूक्लियाई है, तो उसके लिए फिर हमें आयोडीन वेट माउंट करनी पड़ती है। सलाइन वेट माउंट में आप सिस्ट एक ट्रोफोजोइट सबको देख तो लोगे लेकिन उनकी डिटेल स्ट्रक्चर नहीं जान पाओगे, और उसकी डिटेल स्ट्रक्चर कौन करता है, आयोडीन वेट माउंट के द्वारा करते हैं। ताकि हमें ये क्या करता है, आयोडीन वेट माउंट उसको कलर दे देता है, ठीक है, उसको हाईलाइट कर देता है ताकि हमें आसानी से ऑब्जर्व हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ, लेकिन आयोडीन वेट माउंट के द्वारा आप मोटाइल ट्रोफोजोइड को नहीं देख पाओगे, ठीक है। मोटाइल ट्रोफोजोइड कोई है तो मोटाइल ट्रोफोजोइड जो है वो आयोडीन के द्वारा क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, मर जाता है। तो इसीलिए मोटाइल ट्रोफोजोइड आप इसमें नहीं देख पाओगे, इसीलिए आपको दोनों ही टेक्निक करनी जरूरी है। सलाइन वेट माउंट करिए, फिर आयोडीन वेट माउंट करिए, ओके, क्लियर है। आगे चले इनके बारे में पढ़े। फर्स्ट आता है सलाइन वेट माउंट। सलाइन वेट माउंट वैसे तो मैंने आपको बताया गया है मोटा मोटा कि क्या है, कि डिटेक्शन ऑफ ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट ऑफ प्रोटोजा एग इन लार्वा ऑफ हेलमेंटिक एंड लाइव मोटाइल ट्रोफोजोइट आल्सो डिटेक्ट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी, पहली ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, ठीक है, कवर स्लिप की आपको जरूरत पड़ेगी, सैचुरेटेड सलाइन सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन और एक स्मॉल छोटी सी बोतल की जरूरत हमें पड़ेगी। यही रिक्वायरमेंट आपको आयोडीन वेट माउंट में भी पड़ेगी, बस वहां पर सैचुरेटेड सलाइन सॉल्यूशन की जगह आपका ल्यूगोल्स आयोडीन सॉल्यूशन आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है, बाकी यही रिक्वायरमेंट आपको उसमें भी आएगी। प्रोसीजर देखते हैं, देखो प्रोसीजर का मैंने क्या किया है कि मैं आपको आयोडीन वेट माउंट और सलाइन वेट माउंट दोनों की प्रोसीजर जो है वो एक साथ बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बाकी आप थ्योरी तो यहाँ से, आपको नोट्स बनाने हैं तो आप यहाँ से बना ही सकते हैं, ठीक है, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। रिक्वायरमेंट यहाँ पर देख लीजिए, सेम है सलाइन वेट माउंट, बस इसमें आपको ल्यूगोल्स आयोडीन सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है। प्रोसीजर में आप दोनों की इन दोनों की प्रोसीजर में आपको एक साथ बता रही हूँ डायग्राम के थ्रू, ठीक है, ताकि आपको आसानी से इजिली समझ में आ जाएगा। पहला चलते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है, ठीक है, क्लीन ग्लास स्लाइड ली, एक साइड आपने डाला नॉर्मल सलाइन, आप अलग अलग स्लाइड भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, एक पे भी कर सकते हो और अलग अलग भी ले सकते हैं। देखो एक साइड में आपने डाला नॉर्मल सलाइन की ड्रॉप, ठीक है, ये आ गई आपकी नॉर्मल सलाइन की ड्रॉप, एक साइड आपने डाला आयोडीन सोल्यूशन की ड्रॉप, ठीक है, देखना कितनी ईजी स्टेप से हम सीख जाएंगे दोनों का एक साथ लगाना। एक साइड आपने डाल दिया आयोडीन सॉल्यूशन, अब देखो आपके पास है फीसेस का सैंपल, आपने बहुत स्मॉल अमाउंट में एक बोतल में कंटेनर में ये सैंपल ले रखा है, आपके इसमें आपका सैंपल पड़ा है। एप्लीकेटर स्टिक की हेल्प से, एक एप्लीकेटर स्टिक की हेल्प से आपको एक साइड यानी कि जिस साइड आपने नॉर्मल सलाइन डाला है उस साइड उस सैंपल डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, उस स्टिक को फेंकना है, फिर दूसरी स्टिक लेनी है, दूसरी स्टिक से सैंपल उठाएंगे बहुत बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में और इस साइड मिक्स करेंगे जिधर आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है। एक ही स्टिक से दोनों तरफ मिक्स नहीं करना है, ठीक है, तो अलग अलग आपको सॉल्यूशन लेना है, अलग अलग आपको सैंपल लेना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स्ड सैंपल विद सोडियम क्लोराइड, एक तरफ आपने नॉर्मल सलाइन मिक्स कर की तरफ मिक्स कर दिया, ऑन अदर साइड आपने क्या किया, मिक्स कर दिया विथ आयोडीन की ड्रॉप के साथ में, ये मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद उसको ऑब्जर्व कर लो, बट इतनी ईजी प्रोसीजर है, ठीक है। तो प्लेस द कवर स्लिप एंड लेबल्ड विथ आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक और स्टेप आती है इंपॉर्टेंट,
एग्जामिनेशन से पहले कि आपको उसके ऊपर कवर स्लिप रखनी है विदाउट एनी एयर बबल, ठीक है। कोई एयर बबल जो है वो कवर स्लिप रखते समय कवर स्लिप के नीचे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कवर स्लिप के नीचे नहीं आनी चाहिए, ऊपर कवर स्लिप रख दी, उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन नंबर उस पर डाल लें, उसके बाद आप उसको एग्जामिन कर सकते हो माइक्रोस्कोप में, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। पहले हम लो पावर पर देखेंगे, फिर हम हाई पावर पर ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन रहा आपको? अब इस यहां से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, वही जो मैंने बताया है वही यहां पर मैंने लिखा है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। क्लियर है? अब हम अगली मेथड पर चले। हमारी ये हो गई हमारी वेट और आयोडीन मेथड, सॉरी वेट माउंट में सलाइन वेट माउंट और आयोडीन वेट माउंट क्यों करते हैं दोनों अलग अलग, ये भी आपने समझ। अगली मेथड कौन सी आती है भाई? हमारी अगली आती है कंसंट्रेशन मेथड। कंसंट्रेशन मेथड हमें क्यों करते हैं? जब हमने वहां पर एक सब देख लिया, पैरासाइट देख लिया, सब कुछ देख लिया है, तो क्यों हम कंसंट्रेशन मेथड करते हैं? कंसंट्रेशन मेथड हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, एक तो स्मॉल अमाउंट में अगर सिस्टर ऑपोजिट वगैरह प्रेजेंट है तो आपको वहां पर नहीं दिखेंगे, आपको कंसंट्रेशन मेथड करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि वहां पर आपको बैक्टीरिया भी दिख रही थी, WBC भी दिख रहे थे, एपिथेलियल सेल्स भी दिख रहे थे, सब दिख रहे थे आपको सलाइन और आयोडीन माउंट में। लेकिन यहाँ पर हम ऐसी मेथड करते हैं जिससे वो जो डेब्रिस है, जो कि फिकल डेब्रिस है, जो भी बैक्टीरिया है, वो सारी चीजें आपकी सेडिमेंट हो जाती है अगर हम फ्लोटेशन टेक्निक कर रहे हैं तो। मैंने आपको इसमें दो टेक्निक बताई थी, फ्लोटेशन और सेडिमेंटेशन। अगर हम फ्लोटेशन टेक्निक कर रहे हैं तो वो जो बाकी की जो वेस्ट चीजें हैं वो सब नीचे बैठ जाएगी, हमारे पैरासाइट ऊपर आ जाएंगे, ऊपर से हम पैरासाइट उठा के उसके एग्जामिन कर लेंगे। अगर सेडिमेंटेशन टेक्निक कर रहे हैं तो सेडिमेंटेशन नाम से समझ में आ रहा है कि हमारे पैरासाइट सेडिमेंट हो जाएंगे, बाकी का सुपरनेटेड हम डिस्कार्ड करते जाएंगे, डिस्कार्ड करते जाएंगे, डिस्कार्ड करते जाएंगे, तो वो सारी चीजें हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी और नीचे का हमारा सैंपल यानी कि पैरासाइट बच जाएंगे और हम एग्जामिन कर लेंगे, ठीक है। इसलिए हम कंसंट्रेशन मेथड करते हैं। तो देखते हैं, देखो, एग सिस्टेंट ट्रोफोजोइट आर ऑफन इन सच लो नंबर इन फीकल मटेरियल्स दैट दे आर डिफिकल्टी टू बी डिटेक्टेड इन डायरेक्ट स्मियर और माउंट, देयरफॉर कंसंट्रेशन मेथड परफॉर्म। इसीलिए हम कंसंट्रेशन मेथड करते हैं क्योंकि अगर वो लो नंबर में प्रेजेंट है तो हमें डायरेक्ट स्मियर या फिर माउंट में नहीं दिखाई देंगे। क्लियर है? दो मेथड करते हैं, कौन कौन सी? फ्लोटेशन और सेडिमेंटेशन टेक्निक। फ्लोटेशन नाम से समझ में आ रहा है कि सैंपल ऊपर हमारा फ्लोट हो जाएंगे पैरासाइट, और सेडिमेंटेशन यानी कि हमारे पैरासाइट सेडिमेंट हो जाएंगे। प्योर है यहाँ पर सब कुछ, ठीक है, बाकी की सारी चीजें हमने हटा दी है। सेडिमेंटेशन मेथड में हमें पढ़नी है कौन से मेथड? मॉडिफाइड फॉर्मल ईथर सेडिमेंटेशन टेक्निक। और फ्लोटेशन मेथड में हमारी यहाँ पर दो टेक्निक आती है, सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन टेक्निक और जिंक सल्फेट सेंट्रीफ्यूजल फ्लोटेशन टेक्निक। एक एक के बारे में देखते हैं, बहुत इजी है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस नाम से लग रहा है आपको। फ्लोटेशन मेथड, तैरने की प्रणाली, हिंदी में ऐसे कहते हैं हम। फ्लोटेशन देखो नाम से समझ में आ रहा है कि फ्लोट हो रहा है, तो ऑब्जर्व दैट ऑल हेलमिंथिक एग एंड प्रोटोजोआ सिस्ट फ्लोट इन सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन एक्सेप्ट अनफर्टिलाइजेशन एग। यानी कि यहाँ पर एक सिस्ट, ठीक है, ये सारे आपको दिख जाएंगे यानी कि फ्लोट होंगे ऊपर, लेकिन अनफर्टिलाइज एग जो होते हैं वो आपके फ्लोट नहीं होते हैं। किसके में? किसके अंदर? सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन टेक्निक, फ्लोटेशन में आपके दो टेक्निक है, सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन टेक्निक और जिंक सल्फेट टेक्निक। इन दोनों टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, कई बार एग्जाम में इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही बनता है। सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन टेक्निक का प्रिंसिपल देखते हैं हम कि क्या कहता है। देखो कि द ओवा हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन दैट द सैचुरेटेड सलाइन विल फ्लोट ऑन द टॉप एंड आर कलेक्टेड बाय प्लेसिंग अ ग्लास स्लाइड ऑन द सर्फेस। सब कुछ इस प्रिंसिपल ने क्लियर कर दिया है कि कुछ नहीं, आपने क्या किया, यानी कि जो भी ओवा है, जो भी पैरासाइट है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है अगर सैचुरेटेड सलाइन से, तो वो ऊपर फ्लोट होने लग जाएगा, और फ्लोट हो रहा है तो हम उसके ऊपर कवर स्लिप ले या ग्लास लाइट रख देंगे, तो ये जो हमारा पैरासाइट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो पैरासाइट है वो यहाँ पर आ जाएगा और उस कवर स्लिप को या ग्लास लाइट को हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेंगे। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं, देखो मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, इसकी प्रोसीजर बता देती हूँ कि प्रोसीजर क्या होती है। पहले यहाँ देख लेते हैं, फिर मैं आपको ट्यूब से बता देती हूँ कि आपको फिल हाफ ऑफ द बोतल विद सैचुरेटेड सलाइन सॉल्यूशन। आधी बोतल आपको भर लेनी है सैचुरेटेड सलाइन सॉल्यूशन से, फिर हम उसमें
बिल्कुल फ्यू अमाउंट ऑफ फीकल मटेरियल जो है वो एप्लीकेटर स्टिक की हेल्प से उसमें ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बोतल को फिर हम कम्प्लीटली फिल करेंगे सैचुरेटेड सलाइन से, उसके ऊपर कवर स्लिप रख देंगे, 15 से 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 15 टू 30 मिनट लिफ्ट द स्लाइड जेंटली एंड प्लेस इट ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। इधर देखिए आप, ये हमने लिया एक बॉटल, इस बॉटल को हमने सैचुरेटेड सलाइन सॉल्यूशन से आधा भर लिया, ठीक है। ये यहाँ पर इसको इस तरीके से भर लेते हैं, ये सैचुरेटेड सलाइन सॉल्यूशन से हमने भर लिया, सॉल्यूशन से हमने भर लिया, कितनी बोतल भरी हमने, हाफ बोतल, ठीक है, हाफ बोतल हमने भर ली। अब हमारे पास सैंपल है स्टूल का, हमारे पास स्टूल का सैंपल है, ठीक है, स्टूल के सैंपल जो है हमारे पास में, स्टूल का सैंपल है यहाँ पर, फ्यू अमाउंट ऑफ स्टूल का सैंपल लेंगे हम, इसमें डालेंगे, ठीक है। ये फ्यू अमाउंट ऑफ स्टूल का सैंपल लिया, पहले से हमारा इसमें क्या भरा हुआ था, पहले से हमारा इसमें भरा हुआ था सॉल्यूशन, ओके। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में इस बोतल को हम पूरी भर देंगे, सॉल्यूशन से पूरी भर देंगे, और इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा क्या है, फीकल मटेरियल भी है जो कि हमने फ्यू अमाउंट में डाला है, ओके, फ्यू अमाउंट में हमने डाला है। अब क्या होगा कि जो भी पैरासाइट है जिनके स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है वो ऊपर फ्लोट होने लग जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर फ्लोट होने लग जाएंगे, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फ्लोट होने लग जाएंगे, ये फ्लोट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्लोट हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, ऊपर हमने क्या रख दी, एक कवर स्लिप या फिर एक ग्लास लाइट, ग्लास लाइट भी रख सकते हैं, कवर स्लिप भी रख सकते हैं, ग्लास लाइट रखी आपने, ग्लास लाइट रखी तो ये ऊपर फ्लोट हो रहे हैं, ये यहाँ पर चिपक जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर चिपक जाएंगे, और इस स्लाइड को आप उठाओगे और यहाँ पर कवर स्लिप रख के आप माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमें लो पावर फिल पे करना है, फिर हमें हाई पावर फिल पे ऑब्जर्व करना है, बहुत इजी, कुछ नहीं किया हमने, एक बॉटल ली, सॉल्यूशन डाला, उसमें थोड़ा सा फीकल मटेरियल डाला, दोनों को अच्छे से मिक्स किया, उसके ऊपर आपने टॉप में क्या रख दी, ग्लास स्लाइड या कवर स्लिप रख दी, तो पैरासाइट हमारे ऊपर स्लाइड पर आ जाएंगे और उसको हम हटा के वहां पर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अंडर लो पावर ऑब्जेक्टिव एंड लेटर अंडर हाई पावर ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप, क्लियर है, पहली टेक्निक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी टेक्निक पे चलते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी है, जिंक सल्फेट सेंट्रीफ्यूजेशन सेंट्रीफ्यूगल फ्लोटेशन टेक्निक। रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या पड़ेगी यहाँ पर, 33% जिंक सल्फेट पड़ेगा, ग्लास लाइट चाहिएगी, कवर स्लिप चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है, माइक्रोस्कोप चाहिए और सेंट्रीफ्यूज चाहिए और स्टूल का स्पेसिमेन चाहिए, ये आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी। प्रोसीजर देखो, साथ साथ में हम बनाकर देखते चलेंगे। प्लेस अबाउट 1 ग्राम ऑफ फीसेस इन ट्यूब, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें, चलो भाई एक टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं हम यहाँ पर, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिए। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या करना है, 1 ग्राम फीसेस लेना है, ठीक है, 1 ग्राम हमारा जो स्टूल का सैंपल है वो हमने ले लिया, कितना, ये 1 ग्राम ले लिया भाई। 1 ग्राम लेने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें 1 ग्राम लेने के बाद में हमें एड 10 ml ऑफ ल्यूकवॉर्म डिस्टिल वाटर, हमें 10 ml क्या डाल देना है, 10 ml हमें डाल देना है डिस्टिल वाटर, ल्यूकवॉर्म डिस्टिल वाटर हमने इसमें ऐड कर दिया। एक ट्यूब ली, 1 ग्राम सैंपल लिया, 10 ml डिस्टिल वाटर लिया, रिमूव द कोर्स पार्टिकल बाय स्टेनिंग थ्रू अ यूरिन गॉस, यूरिन गॉस नहीं है डियर, यहाँ पर आएंगे, मतलब जो भी मोटे मोटे पार्टिकल्स आपके हैं उनको आपको हटा देना है स्टेनिंग, ठीक है, आपको उनको हटा देना है, बड़े बड़े पार्टिकल्स जो भी हैं वायर गॉस की हेल्प से, बड़े बड़े पार्टिकल सारे हट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपका सॉल्यूशन है इसको आपको किसमें लेना है, फिल्ट्रेट जो है आपका इन सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में आपको लेना है इसको, ठीक है, आपको इसको लेना है एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, क्योंकि हमें इसे सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा, एंड सेंट्रीफ्यूज फॉर 1 मिनट एट 2500 RPM, ठीक है, यहाँ पर हम उसको 1 मिनट के लिए 2500 RPM पर, ठीक है, 2500 RPM पर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद करना है आपको पोर ऑफ द सुपरनेटेड एंड एड अबाउट 5 ml डिस्टिल वाटर टू द सेडिमेंट। क्या किया हमने, 1 ग्राम सैंपल लिया, 10 ml डिस्टिल वाटर लिया, उसको मिक्स किया, हमने उसको डाला सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया 2500 RPM पर, निकाला ट्यूब को आफ्टर 1 मिनट, उसके बाद में जो भी बचा हुआ है सब सेडिमेंट हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा तो ऊपर का जो सुपरनेटेड बचा है हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, सुपरनेटेड को हमने डिस्कार्ड किया और उसमें 5 ml हम डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है, उसमें क्या ऐड कर देंगे,
5 ml डिस्टिल वाटर, 5 ml डिस्टिल वाटर एड कर दिया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, शेक वेल एंड सेंट्रीफ्यूज फॉर 1 मिनट एट 2500 RPM। फिर हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसको हम 2500 RPM पर फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे और फिर डिस्कार्ड करेंगे सुपरनेटेंट, जिसे हम पूल सेल बनाते हैं ना कि नॉर्मल सलाइन डालते हैं फिर डिस्कार्ड करते हैं, फिर नॉर्मल सलाइन डालते हैं फिर डिस्कार्ड करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी डिस्टिल वाटर एड करने के बाद में उसको अच्छे से शेक करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे फिर से 1 मिनट के लिए 2500 RPM पे, फिर हमें सुपरनेटेड डिस्कार्ड करना है, फिर उसमें 3 ml हम जिंक सल्फेट ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर देखते हैं क्या किया हमने, 5 ml डिस्टिल वाटर डालने के बाद में हम उसको 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है, मिक्स करके अच्छे से 2500 RPM पर, 2500 RPM पर हमने उसको मिक्स किया। देन हम उसको क्या करेंगे, ट्यूब को निकालेंगे, सुपरनेटेड को डिस्कार्ड करेंगे, सुपरनेटेड को डिस्कार्ड करने के बाद में हम उस ट्यूब में फिर क्या ऐड करेंगे, जिंक सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हम उसमें ऐड करेंगे, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हम उसमें ऐड करेंगे कितना, 3 ml, 3 ml हमने डालने के बाद उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में हम 2 ml फिर से ऐड करेंगे, 2 ml ऐड करने के बाद आपको इसको फिर से सेंट्रीफ्यूज करना है 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए 2500 RPM पर, 1 मिनट के लिए 2500 RPM पर आप उसको फिर से सेंट्रीफ्यूज करोगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि आपने इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया, तो विद द प्लेटिनियम वायर लूप सैंपल इज टेकन फ्रॉम द सर्फेस ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, अ कवर स्लिप इज पुट ऑन एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। आपके पास एक फाइनल ट्यूब बनकर रेडी हो गई है, आपके पास में एक फाइनल ट्यूब बनकर रेडी हो गई है, आफ्टर एड क्या ऐड किया आपने, जिंक सल्फेट ऐड करने के बाद जब आपने उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो आपका जो पैरासाइट है वो ऊपर फ्लोट होने लग जाएंगे, बाकी के सारे नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह जो भी है, तो ऊपर आपके यहाँ पर पैरासाइट आ गए, तो आपको प्लेटिनम वायर लूप की हेल्प से इसको आपको लेना है एक क्लीन ग्लास स्लाइड में, क्लीन ग्लास स्लाइड में ले लीजिए, इसके ऊपर कवर स्लिप रखिए और इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लीजिए, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन आपको इस टेक्निक में रहा, बहुत इजी है, बस आपको इसको समझना पड़ेगा कि आपने 1 ग्राम सैंपल लिया, 10 ml डिस्टिल वाटर लिया, 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया 2500 RPM पर, 5 ml डिस्टिल वाटर ऐड किया, फिर आपने 1 मिनट के लिए उसको 2500 RPM पर सेंट्रीफ्यूज किया। इस टेक्निक को, यानी कि ये वाली जो टेक्निक है 5 ml डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद, कम से कम आपको ये वाली 2 से 3 बार करनी है, कितनी बार, 2 से 3 बार ये प्रोसीजर करनी है, सेंट्रीफ्यूज किया, निकाला, सुपरनेटेड को डिस्कार्ड किया, फिर 5 ml ऐड किया, फिर सेंट्रीफ्यूज किया, फिर डिस्कार्ड किया, ये टेक्निक कम से कम 2 से 3 बार करनी है। उसके बाद आपको जिंक सॉल्यूशन ऐड करना है, 3 ml मिक्स करके 2 ml ऐड करना है, 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे 2500 RPM पर, मिक्स किया अच्छे से, उसके बाद में आपका जो पैरासाइट है वो ऊपर फ्लोट होने लग जाएंगे, बाकी के सारे नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, जब वो ऊपर फ्लोट होने लग गए तो आप उसको एक्सलाइड में ले लोगे और उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये भी आपकी फ्लोटेशन टेक्निक ही हुई, क्योंकि पैरासाइट आपके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, बाकी की सारी जो चीजें हैं वो नीचे सेडिमेंट हो जाती है। क्लियर है, अब हम बात करते हैं हमारी अगली टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे करते हैं। सेडिमेंटेशन मेथड आती है हमारी, नाम से आपको समझ में आ रहा है, सेडिमेंटेशन मेथड यानी कि सेडिमेंट हो जाते हैं। अभी तक हम जो पैरासाइट ले रहे थे ऑब्जर्व करने के लिए वो फ्लोट जो हो रहे थे वहां से ले रहे थे, अब यहाँ पर हमारे पैरासाइट सेडिमेंट होंगे और सुपरनेटेड जो भी हम डिस्कार्ड करेंगे वहां पर हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह सारी चीजें डिस्कार्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो वैसे जो हमने ये टेक्निक समझी है अभी जिंक सल्फेट वाली, कुछ इस तरीके से ही ये टेक्निक भी है, बस इसमें हम यहाँ पर सेडिमेंट लेंगे, वहां पर हम सुपरनेटेड ले रहे थे, समझ में आ गया। फॉर्मल ईथर सेडिमेंटेशन मेथड, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मल ईथर, तो रिक्वायरमेंट हमें फॉर्मल ईथर है, तो फॉर्मेलिन की जरूरत पड़ेगी, ईथर की जरूरत पड़ेगी, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ग्लास लाइट, कवर स्लिप, सेंट्रीफ्यूज, माइक्रोस्कोप और स्पेसिमिन, ये तो हमें सभी में चाहिए। प्रोसीजर देखते हैं आपकी, प्रोसीजर जो है वो सेम ही है जैसे हमने जिंक सल्फेट की करी थी, कुछ उस तरीके से ही है। तो पहली आपके आती है मिक्स अबाउट 1 ग्राम स्टूल स्पेसिमेन इन 7 ml फॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये हमने ले ली है एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्या, 1 ग्राम आपको लेना है स्टूल का सैंपल, आपके पास में जो स्टूल का स्पेसिमेन है वो स्टूल स्पेसिमेन लिख लेते हैं। देन आपको ऐड करना है क्या, 7 ml, 7 ml, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं हम, 7 ml आपको क्या लेना है, फॉर्मेलिन सलाइन सॉल्यूशन, फॉर्मेलिन
सॉल्यूशन, ये हमने ले लिया फॉर्मेलिन सॉल्यूशन ले लिया, ऊपर आपने 1 ग्राम स्टूल ले लिया, दोनों का आपने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में स्टेन थ्रू अ वायर ग्रोज एंड कलेक्ट द फिल्टर इन सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। जैसे हमने उसमें जो मोटे मोटे पार्टिकल्स थे वो हटाए थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको हटाने हैं वायर ग्रोज की हेल्प से। उसके बाद इस फिल्ट्रेट को हम ले लेंगे, यानी कि जो मिक्स किया है हमने, इस मिक्स को हम ले लेंगे एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। ठीक है, ये हमने टेढ़ी मेढ़ी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब बनाई है, इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हम ले लेंगे। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लेने के बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे फॉर 1 मिनट। 1 मिनट, यहाँ पर एक पॉइंट मिस हो गया है, तो आपको ऐड करना है 1 मिनट 2500 RPM। ठीक है, 2500 RPM पर आप यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में सुपरनेटेड को आपको डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करने के बाद आपको इसको ऐड करना है, ऐड 3 ml ईथर इन द फिल्ट्रेट एंड शेक विग्रसली फॉर अबाउट 1 मिनट। यानी कि यहाँ पर जो हमारा फिल्ट्रेट बचता है उसके अंदर हमें ऐड करना है क्या, 3 ml ईथर। 3 ml ईथर हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद कितने 1 मिनट के लिए आपको उसको अच्छे से शेक करना है, मिक्स करना है, देन हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे 2000 RPM पर 2 मिनट के लिए। ठीक है, ईथर ऐड करने के बाद मिक्स किया आपने, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है, उसको 2 मिनट के लिए आप उसको 2500 RPM पर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। रिमूव अपर पार्ट ऑफ द फैटी डेब्रिस यूजिंग अ ग्लास रोड। सेंट्रीफ्यूज कर लिया आपने, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में आपने जब उसको निकाला आपने 2 मिनट के बाद में, तो ऊपर का क्या बचता है, सुपरनेटेड बचता है, नीचे आपका फिकल डेब्रिस जो भी आपका फैटी डेब्रिस जो भी है ऊपर के पार्ट में, सुपरनेटेड जो है उस सुपरनेटेड को आपको डिस्कार्ड करना है और नीचे आपके पैरासाइट बच जाएंगे। सेडिमेंटेशन का मतलब ही ये हो गया कि आपके पैरासाइट सेडिमेंट हो जाते हैं, ऊपर सुपरनेटेड जो भी बचता है उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। तो रिमूव सुपरनेटेड लिविंग 1 to 2 ड्रॉप, कम से कम 1 से 2 ड्रॉप रखनी है आपको केवल, बाकी सभी डिस्कार्ड कर देना है। एंड प्लेस द मिक्स डिपॉजिट ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट। जो भी डिपॉजिट बचा है आपकी ट्यूब में नीचे, ठीक है, जो भी पैरासाइट बचे हैं उनको आपको एक क्लीन ग्लास स्लाइड पर लेनी है और एक कवर स्लिप रखनी है और उसको आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेना है। बहुत सिंपल है, एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली मेथड नहीं है, आप इसको बस ट्यूब से बनाकर एक बार समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये हमारा स्टूल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है, बस हमें एक चार्ट जो है वो बनाकर समझना है कि कौन सा पैरासाइट कैसा दिखता है, एग कैसा दिखता है, सिस्ट कैसा दिखता है, तो वो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए।